लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि माता की जो है नवरात्रि शुरू हो रही हैं, तो उनकी जो श्रृंगार का सामान है वो मैंने सब खरीद लिया है। और जो कुछ भी हमें पूजा में नवरात्रि में चाहिए होगा वो सब मैंने रख लिया है। तो आज मैं आप लोगों के साथ यही शेयर कर रही हूँ। तो ये उनका माता रानी का नेकलेस है जो मुझे बहुत पसंद आया था। बहुत कम ही मौका ऐसा मिलता है जब हमें इतना छोटा सा नेकलेस मिलता है, और अभी तक मैं इतना बड़ा ले लेती थी माता को फिट भी नहीं आता था, और ये मुझे मेला में मिल गया था। बहुत अच्छा लग रहा था और ये छोटा सा था तो ये माता के गले में बिल्कुल फिट आ जाएगा। और बाकी का जो सामान है तो श्रृंगार का सामान जो माता को लगता है वो सब है इसमें। और पोशाकें मैंने मेला में ही ली थी, और आप लोगों के साथ मैं पहले ही शेयर कर चुकी थी कि दो पोशाक मैं माता के लिए लाई हूँ मेला में। तो एक पहले दिन के लिए होती है और एक हवन वाले दिन के लिए होती है पोशाक। तो चलिए सामने मिलकर बात कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मैंने नवदुर्गों की जो है नवरात्रि की हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि अब एक दो दिन ही बचे हैं, इसके बाद हमारे यहाँ नवरात्रि का जो त्यौहार है वो शुरू हो जाएगा। तो मैं व्रत रखती हूँ, और जो हमारे यहाँ जैसे हमारे घर में मंदिर है ससुराल में, तो दुर्गा माता का मंदिर है, तो वहाँ पे हम लोग जवारे जो है बोए जाते हैं और पाठ होता है 9 दिनों तक। तो जो सभी मंदिरों में, मतलब माता के मंदिरों में जो भी होता है वो सब हमारे यहाँ होता है। तो हम किस तरीके से तैयारी करते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और कुछ तैयारियां जो शुरुआत में हम लोगों को चाहिए होती है वो मैंने अभी करके रखी हुई है, और लास्ट में हवन के लिए जो भी चाहिए होगा वो बाद में लेंगे हम लोग। तो अभी मैंने हवन के लिए जो सामान चाहिए होता है वो नहीं लिया है, और ना ही पंडित जी की दक्षिणा जो होती है, जैसे कि उनके पोशाक होती है पंडित जी की या उनकी पंडिताइन की, तो वो सब अभी फिलहाल नहीं लिया है। अभी मैंने सिर्फ अपना माता का जो अभी हमें शुरुआत से ही लगना है वो सब मैंने अपनी तैयारियां कर ली है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, और मैंने जो है उनकी पोशाक जो है माता की, ये देखिए सबसे पहले ये माता के लिए दो पोशाक लिए हैं, एक पीली है और एक रानी कलर की है। तो ये दो पोशाक हैं, और ये देखिए ये उनका गले का जो नेकलेस है। तो इस हिसाब से उनकी देखिए माता की जो है चूड़ियां, ये छोटी वाली चूड़ियां जो होती हैं ये माता पहनती हैं, काले कचेरा बोलते हैं हमारे यहाँ। और श्रृंगार का जो सामान होता है जैसे मेहंदी है, नेल पेंट है, सिंदूर, महावाल, रुमाल, बिंदी, तो ये सब होता है हमारा। और ये दो कपड़े लाल पीस होते हैं, जैसे कि हम जब कलश स्थापना होती है ना तो कलश में एक कपड़ा लपेटा जाता है और नवग्रह बनाया जाता है, तो उसके लिए भी एक कपड़ा बिछाना होता है, तो उसके लिए एक लाल कपड़ा ये चाहिए होता है। और ये झंडा है ये पताका, तो एक पताका ये होता है, ये रंग बिरंगा होता है, और बाकी के जो होते हैं वो लाल होते हैं माता के। तो ये देखिए ये सभी झंडे जो हैं पताका हमने ले लिए हैं, तो 7 या 7 ही लगते हैं हम लोगों के यहाँ। इस तरीके से इसमें सफेद कलर के ये लगा दिए जाते हैं, तो मंदिर में ये लगाए जाते हैं जब हम लोगों को शुरुआत में, जैसे ही जिस दिन जवारे बोए जाएंगे ना जवारे, उस दिन ये सब पूजन होगा और ये सब लगा दिए जाएंगे, तो वो जो पुराने लगे होंगे वो निकल जाएंगे, ये नए लग जाएंगे। ये साड़ी तो ये तो हम लोग ऐसा करते हैं, जैसे मैं और देवरानी है या मैं हूँ, तो हम लोग ये कुछ सामान जो होता है हम अपने लिए भी जैसे कि अपना श्रृंगार कर लेते हैं, माता को चढ़ाते हैं, फिर इसके बाद हम लोग ले लेते हैं, और जो माता का होता है वो उनका उन्हीं का होता है, और हम लोग मतलब हर उसमें माता को श्रृंगार चढ़ाते हैं और फिर हम लोग आशीर्वाद के रूप में वही ले लेते हैं। तो जैसे देवरानी के लिए और मेरे लिए हम दोनों अपने लिए लाते हैं और वहां पे चढ़ा देते हैं। तो ये मैंने साड़ी ली है,
और ये चूड़ियां हैं, तो ये चूड़ियां ऐसे भर भर के, हम वैसे भी सूट पहनते हैं तो इतनी ज्यादा पहनती नहीं हूँ मैं, तो आधी आधी हो जाती है, दुल्हनी इसी में पहन लेती है और इसी में, और ये बिंदियां हैं, मतलब सब कर उसमें जो होता है तो हम लोग आधा आधा कर लेते हैं, जो उनका होता है पहले का अभी चढ़ा होगा जो, वो अभी इस नवरात्रि में हम लोग निकाल के और हम लोग ले लेंगे, फिर नया चढ़ा देंगे, ऐसा करते हैं हम लोग। तो ये हमारी जो तैयारी है ये अभी मैंने इतनी करी है, और इसके बाद हम 9 दिन के लिए, जैसे 9 दिन पाठ बैठेगा तो उसके लिए ये देखिए, तो इसमें इस थैले में नारियल है, ये देखिए, तो ये थैला भरा मतलब इसमें है 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नारियल है, तो ये नारियल चाहिए होंगे, लगते हैं। और इसमें है हमारा शुरुआत का सामान अभी लिया है, जो हमें शुरुआत में चाहिए होगा, तो ये एक साथ ले ली है, अगरबत्तियां हैं, ये घी है, और तो शुरू से चाहिए होता है, अभी ये इतना हवन लिया है क्योंकि ये हवन सामग्री है, तो अभी ये पूरी नहीं है क्योंकि उसमें 5 किलो लगता है हम लोगों को, ये अभी ले ली होगी, होगी नहीं घर पे या कुछ भी, इसलिए ले ली होगी। और इसमें भी कुछ पूजन सामग्री ही है, जितनी भी पंडित जी लिखवाते हैं वो सब आ जाती है, और ये बत्ती है, तो इस तरीके से ये, और ये धूप बत्ती है, तो इस तरीके से अभी शुरुआत का सामान लिया है, क्योंकि 9 दिन है फिर अष्टमी को हो गया होगा हवन, तो उसका फिर अलग से लेंगे, अभी नहीं लिया है, अभी सिर्फ इतना ही लिया है, तो ये सब तो शुरुआत से ही लगता है, तो हमारे यहाँ तो इसी तरीके से होती है, आप लोग क्या किस तरीके से होती है, जिस तरीके से आप लोग नवरात्रि में की तैयारियां करते हैं और किस तरीके से आप लोग मनाते हैं तो कमेंट में बताइएगा, और हम लोग इसी तरीके से करते हैं, जो भी हमारे यहाँ शुरुआत से होता आया है बस वही हम लोग आगे बढ़ाते जा रहे हैं, कुछ हमें इतना ज्यादा पता नहीं है, और हमारे यहाँ ससुराल में ऐसे ही होता है, इतने ही सब करते हैं, तो हम भी करते जा रहे हैं वैसे ही। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब रह गया है मेरी मंदिर का, मंदिर की जो सफाई है वो रह गई है, वहां पे घर पे मंदिर की सफाई तो हो गई होगी, नहीं हुई होगी तो हो जाएगी, क्योंकि वो बड़ा मंदिर है और वहां पे सफाई वगैरह और वो सब तो वहां पे भी होगा, तो वहां मम्मी है, देवरानी है, तो वो लोग कर लेंगे, और यहाँ पे मुझे करना है, तो यहाँ पे मैं सफाई वगैरह जो है मंदिर की और उनके बर्तन वगैरह जो है सब करना है, तो वो कल करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही है, और हमारे यहाँ यही होता है, आप लोगों के यहाँ जैसा भी होता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और अगर आपको मेरा ये सब ब्लॉग अच्छा लगा हो, नवरात्रि की तैयारियां जो मैंने करी है आपको पसंद आई हो, तो मुझे जरूर कॉमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को लाइक कर दें। तो जय माता दी दोस्तों।